तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में रोल आउट हुई वंदे भारत ट्रेन के फीचर्स के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसी और मजेदार वीडियो के लिए। केंद्रीय रेलवे मिनिस्टर अश्नवी वैष्णव जी ने 12 अगस्त को वंदे भारत ट्रेन की प्रोटोटाइप को इनॉगरेट किया था। बहुत ही लंबे समय के बाद तीसरी वंदे भारत ट्रेन को रोल आउट किया गया है। तमाम मुश्किलों के बाद तीसरी वंदे भारत ट्रेन अब ट्रैक पर आ चुकी है। नई वंदे भारत ट्रेन में कम्फर्ट और एक्सेलरेशन को बढ़ाया गया है। अश्वनी वैष्णव जी के मुताबिक नई वंदे भारत ट्रेन का एक्सेलरेशन बुलेट ट्रेन से भी बेहतर है। ये नई वंदे भारत ट्रेन पिछली दोनों ऑपरेशनल ट्रेनों से काफी बेहतर होगी। हालांकि इसके एक्सटर्नल डिजाइन में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन इस ट्रेन के इंटीरियर में काफी बदलाव किए गए। इस नई वंदे भारत ट्रेन का 45 दिनों तक ट्रायल किया जाएगा। इस बात की भी संभावना है कि इस नई वंदे भारत ट्रेन को दुर्गा पूजा से पहले ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। आने वाले 4 सालों में भारतीय रेलवे की योजना है कि ऐसी 475 ट्रेन पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आए, जिससे भारत के सभी स्टेट को आपस में कनेक्ट किया जा सके। मौजूदा समय में दिल्ली कटरा और दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाया जा रहा है। पिछली वंदे भारत ट्रेन को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल करने के लिए 180 सेकंड का समय लगता था, जबकि नई वंदे भारत ट्रेन में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल करने में 140 सेकंडों का ही समय लगेगा। पुरानी वंदे भारत ट्रेन में 1 घंटे का बैटरी बैकअप था, लेकिन नई वंदे भारत में 3 घंटे का बैटरी बैकअप रहेगा। नई वंदे भारत ट्रेन के सारे कोचेस इमरजेंसी लाइट से लैस, साथ ही सभी कोचों में GPS बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाया गया है। साथ ही नई वंदे भारत ट्रेन वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इस पूरी ट्रेन में प्लेटफॉर्म साइड और रियर व्यू कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही हाल ही में निर्माण की गई कवच टेक्नोलॉजी भी लगाई गई है। नई वंदे भारत ट्रेन में कंफर्ट को भी बढ़ाया गया है। आपके वीडियो को लेकर क्या विचार है बताएगा मैं कमेंट सेक्शन में। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।